नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे कर्मचारी अपनी पे स्लिप मोबाइल ऐप में किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाएंगे और ये रहा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाएंगे और उसके ऊपर हम लिखेंगे RESS। ये देखिए RESS लिखा हुआ है। ये इस तरह RESS डाउनलोड करेंगे। ये ऐप डाउनलोड होने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लॉगिन की प्रक्रिया कैसी है और किस तरह से हम हमारी पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ देविदास और मेरे चैनल का नाम है देविदास ठवरे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा RESS ऐप डाउनलोड होने के बाद में हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम हमारा PF नंबर और पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद रजिस्टर जो हमारा मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। तो इस मोबाइल नंबर के ऊपर एक हमारा OTP आएगा, फिर OTP को डालेंगे। उसके बाद फिर OTP डालने के बाद में हम अपना पासवर्ड बना देंगे। पासवर्ड बना देंगे, फिर एक बार वही रिपीट पासवर्ड करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब हम सबमिट होने के बाद में हम लॉगिन हो गए। अब लॉगिन होने के बाद में हम यहाँ यूज़र आईडी में क्या डालेंगे, ये हमारा PF नंबर या किसी जगह आधार नंबर भी होता है, तो हम PF नंबर या आधार नंबर डाल देंगे इसमें और हमारा पासवर्ड डाल के हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में फिर क्या करेंगे, ये इस तरह से सेकंड इंटरफेस खुलेगा, आपकी आईडी खुल जाएगी। जैसे कि देखो मेरा नाम लिखा हुआ है ऊपर, ये देवीदास, और उसके नीचे आया मेरा PF नंबर जो मैंने अभी छुपा दिया है। फिर आपको क्या करना है कि आपको सैलरी देखना है, तो ये आप सैलरी पे क्लिक करेंगे। सैलरी पे आप क्लिक करने के बाद में आपकी फिर वो पूछेगा कि भाई, इस इंटरफेस में मैं बता दूँ कि आप बायोडाटा देख सकते हैं, सैलरी देख सकते हैं, NPS देख सकते हैं, इनकम टैक्स देख सकते हैं, आपकी छुट्टियाँ देख सकते हो, लोन क्या है, फैमिली मैटर, और ये इतने सारे इसमें ऐप्स हैं कि आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कौन से महीने की पे स्लिप चाहिए वो हम देखेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस जगह हम हमारी सैलरी, ये कौन से महीने की हमें चाहिए वो डाल देंगे। अब यहाँ शुरू में देखिए आप 2020 लिखा हुआ है और उसके बाद में लिखा है 07, मतलब ये जुलाई महीने की है। तो इसको ध्यान से देखिए, 2020 और ये 07 सातवें महीने की, इस तरह हम डाल के उसको सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद में क्या होगा, हमारी पे स्लिप खुल कर आ जाएगी। ये देखिए, ये मेरी पे स्लिप आ गई, इसमें पूरा का बायोडाटा है कि कितने महीने की बनी, बेसिक की, सब कुछ आ गया इसमें। अब इसके बाद आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड होगा कहाँ पे, जब से आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सैलरी जाएगी PDF फाइल में, आप उसको PDF फाइल में देख सकते हो। और PDF फाइल से आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। हो मैं हूँ देविदास, मेरे चैनल का नाम है देविदास। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।